और कल से आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव प्रसाद सिंह ने कहा कि हर हाल में आंदोलन होकर रहेगा, सरकार को जो करना है वो कर ले। शिक्षकों की बैठक का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। लोक सेवा आयोग ने बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने अल्टीमेटम भी दिया है। अल्टीमेटम इस बात की कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं, वे इस मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। इस वक्त ही हम तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कार्यालय की तस्वीर है, जहाँ पर संघ के महासचिव सदरुद्दीन प्रसाद सिंह है, उनके साथ MLC है संजय जी, और इसके साथ ही जो शिक्षक है वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मंत्रणा चल रही है और सरकार का जो ये अल्टीमेटम आया है उसको लेकर संघ क्या सोचता है, शिक्षक क्या सोचते हैं, इस बात पर हम इनके विचार जानेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कल से ही आंदोलन की रूपरेखा जो है वो जो तैयार की गई है वो शुरू होने वाली है। बिल्कुल, हम शिक्षक के साथ हैं और कल से संघर्ष का कार्यक्रम शुरू है। कल हर प्रमंडल में प्रदर्शन है, फिर 22 जिलों में धरना का कार्यक्रम चलेगा। तो हम शिक्षक संगठन और बिहार के इस नियोजित शिक्षकों के इस आंदोलन में बिल्कुल साथ हैं। जो शिक्षकों को संघर्ष से रोकने का पत्र प्रधान सचिव ने निकाला है, हम उसको लेकर महामहिम से आग्रह किए हैं कि आप संविधान के संरक्षक हैं और ऐसा पत्र सरकार ने निकाला है, आप सरकार को निर्देश दें कि उस पत्र को तुरंत वापस करें। देखिए, हमारी तो शुरुआत हो गई 1 मई से ही, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को हम लोगों ने प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया, और अभी जो अपर मुख्य शिक्षा सचिव दीपक कुमार सिंह ने एक तानाशाही भरा पत्र, मौलिक अधिकार के हनन करने का पत्र दिया, इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश हो गया है। हमारा प्रदर्शन पूरे राज्य के परमंडलीय मुख्यालय में जोरदार होगा, और अप्रत्याशित जो घर में बीमार भी शिक्षक हैं वे भी निर्भीक होकर पूरे राज्य में सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन आप अप्रत्याशित आंदोलन की बात कर रहे हैं, सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, कार्रवाई की बात कही है। इस प्रकार सरकार जो धमका करके डरा करके आंदोलन को रोकवा, तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम। तो आप सभी को पता है कि जो कि पटना में बैठक बुलाया गया है उस मीटिंग में ये साफ क्लियर कर दिया गया है, और आप सभी को ये पता होगा कि पटना में केस दर्ज हो चुका है, इसके मतलब रिगार्डिंग में सारा वीडियो अपलोड हो चुका है हर एक चैनल से, और जितने भी पटना में बैठक थे उसमें ये कन्फर्म हो चुका है कि कल से प्रदर्शन शुरू होगा, चाहे सरकार को कार्रवाई करना है तो करे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा सभी जिलों में, ये क्लियर कर दिया गया है। तो वीडियो को अगर पूरा नहीं दे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख ले, ठीक, उसके बाद आप सभी को पता चल जाएगा कि ये न्यूज़ रियल है, एकदम न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ओर से ये न्यूज़ निकल के आ रही है।